नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व आर्मी चीफ जनरल दीपक कपूर सहित सेना के कई रिटायर्ड जनरल के शामिल होने के बाद बीजेपी में खलबली है और बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आम तौर पर सेना के मान अपमान पर दूसरे दलों को घेरने वाली बीजेपी ने सीधे पूर्व आर्मी जनरल दीपक कपूर पर हमला बोला है। 8 जनवरी रविवार को हरियाणा में जब भारत जोड़ो यात्रा थी, तब दीपक कपूर और 4 अन्य जनरल राहुल गांधी से मिले और इन जनरलों की राहुल गांधी से विभिन्न मुद्दों पर लंबी बातचीत हुई। बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि जनरल दीपक कपूर पर महाराष्ट्र में हुए आदर्श सोसाइटी हाउसिंग जो थी उसके घोटाले का आरोप है। मालवीय ने ट्वीट कर लिखा कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। कपूर पर कुछ अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ आदर्श घोटाले के बहुत गंभीर आरोप हैं। इस घोटाले पर बनी जांच समिति की राय थी कि सशस्त्र बलों को बदनाम करने के लिए उन्हें किसी भी सरकारी पद पर जो आरोप है उन पर लगा था ना रखा जाए या कार्यालय संभालने से वंचित किया जा सकता है। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी के इस हमले पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। बड़ा सवाल यही है कि जनरलों के यात्रा में शामिल होने और राहुल गांधी के अग्निवीरों को लेकर बयान के क्या सियासी मायने हैं, क्या इसके निहितार्थ हैं। मंथन इसी पर। लेकिन जिसकी हम खाते हैं, जिसको हम जीते हैं और जिसकी बदौलत हमारा पूरी दुनिया में जलवा जलाल है, ऐसी हमारी हिंदी, हमारी मातृभाषा। आज विश्व हिंदी दिवस है और करोड़ों करोड़ विश्व भर में फैले हुए करोड़ों करोड़ हिंदी भाषियों और हिंदुस्तानियों को विश्व हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। वास्तव में हिंदी ही है जो हमें एक सूत्र में बांधती है। एक वक्त था जब इस देश में पत्रकारिता भी अंग्रेजी दा, जो पत्रकार हुआ करते थे वही महान पत्रकार कहलाते थे। ये कहा जाता था कि भाई जो अंग्रेजी में लिख दिया वो वेद पुराण है, जो अंग्रेजी में बोल दिया गया वो गीता और उपनिषद है। हिंदी के पत्रकारों की, हिंदी के लेखकों की, हिंदी के कवियों की, हिंदी के साहित्यकारों की वो कद्र हिंदुस्तान में ही नहीं थी। लेकिन ऐसा परचम इस वक्त हिंदी के सपूतों ने फहराया है कि पूरे विश्व में हिंदी का डंका बज रहा है। चाहे कविता का क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र हो, चाहे समाचार पत्रों, चैनलों और डिजिटल जो मीडियम है उसमें भी हिंदी का चहुं ओर डंका बज रहा है। आज विश्व हिंदी दिवस पर मैं बहुत सारे उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि जो लोग सरकारी महकमे में हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं वहां, और जो आम लोग हैं जो हिंदी भाषा को ही समझते हैं, अंग्रेजी को नहीं जानते, कम से कम उनको उनकी भाषा में ही बोलचाल उनके साथ किया जाए, पत्राचार किया जाए। और बहुत वर्षों से सरकारी कार्यालयों में हिंदी की हिमायत होती रही है, लेकिन अभी भी सरकारी दफ्तर, सरकारी अफसर अभी भी अंग्रेजी की जकड़न में जकड़े हुए हैं। हो सकता है कि आज वो संकल्प लें ऐसे लोग विश्व हिंदी दिवस पर और आगे कामकाज हिंदी में हो। बहुत बहुत बधाई, पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने मूल विषय, मंथन का जो मूल विषय है उस पर आते हैं। ये जो सारे पूर्व अफसर हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की,
उसमें शामिल हुए और लगातार ये इस बात का संकेत और संदेश मिलता रहा, देते रहे। बहुत सारे कौन कौन से अफसर शामिल हुए हैं आपको ये हम बता देते हैं कि कौन कौन इस जो पूरा मसला है इसमें कौन कौन अफसर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। इसमें पूर्व सेना प्रमुख दीपक कपूर हैं, जनरल दीपक कपूर हैं। इसके अलावा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आर के हुड्डा, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल वी के नरूला, रिटायर्ड एयर मार्शल पी एस भंगू, रिटायर्ड मेजर जनरल सतवीर सिंह चौधरी, रिटायर्ड मेजर जनरल धर्मेंद्र सिंह और रिटायर्ड कर्नल जितेंद्र गिल समेत कई पूर्व अफसर जो सेना और सशस्त्र बलों के वो शामिल हुए थे। दीपक कपूर जिनको लेकर बीजेपी ने हमला किया उनके बारे में एक थोड़ी सी जानकारी दे दें। दीपक कपूर सैनिक स्कूल कुंजपुरा में उन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की और इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA के वो एलुमनाई हैं। उन्होंने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज से भी ट्रेनिंग की है। इंडियन आर्मी की वेबसाइट के मुताबिक दीपक कपूर 11 जून 1967 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी से कमीशन्ड हुए थे। 30 सितंबर 2007 को उन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के तौर पर कार्यभार संभाला। इसके बाद 31 अगस्त 2009 को उन्हें चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया। 4 दशक के करियर में जनरल दीपक कपूर ने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। उन्होंने भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध में भी हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दिया। इस युद्ध में वो 74 मीडियम रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। जनरल कपूर को जम्मू कश्मीर में सेवा के लिए सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया। यूनाइटेड नेशंस की सेना में भी चीफ ऑपरेशन ऑफिसर के तौर पर सोमालिया में भी वो रहे, उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल भी दिया गया। जनरल दीपक कपूर को भारत के राष्ट्रपति का ADC भी नियुक्त किया जा चुका है। अब ये सब बातें, इतना अच्छा शानदार करियर वो जब राहुल गांधी से मिल लेते हैं तो फिर बहुत सारे उनके ऊपर आरोप, तमाम चीज़ें हो जाती हैं। बात ये अलग है, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के मामले में उनका नाम आया था और उन्होंने वो फ्लैट भी वापस कर दिया था। उसके बाद वो कोई सीधे तौर पर वो इसमें कहीं दोषी पाए नहीं गए थे। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जब भी 2019 में भी और उससे पहले भी सैनिकों को लेकर बहुत संवेदनशीलता भारतीय जनता पार्टी ने शुरू में दिखाई थी और लगातार वो सेना और सैनिकों के बारे में एक बहुत अच्छी राय रखते हैं और उनके उत्थान की बातें किया करते हैं। वन रैंक वन पेंशन के मसले पर बहुत एक पूरा का पूरा उन्होंने एक जनरल वी के सिंह जब उन्होंने एक तरीके से हरियाणा और तमाम जगह के जो सैनिकों को इकट्ठा करके एक समावेशी एक योजना बनवाई और एक सम्मेलन किया था, उसके बाद वन रैंक वन पेंशन को लेकर बहुत सारी उम्मीदें बंधी थी। भारत सरकार ने नए साल से पहले लाखों पूर्व सैनिकों को एक बड़ा तोहफा देने का ऐलान भी किया था। दरअसल सेना के रिटायर्ड जवानों के लिए सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के प्रावधानों को मंजूरी दी है। इससे युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की विधवा और दिव्यांग पेंशनधारकों को भी लाभ मिलेगा। अगर देश की बात करें तो देश भर में 25 लाख पेंशनर इस योजना के तहत लाभान्वित होंगे। संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद सरकार पर हर साल 8450 करोड़ रुपये का भार भी पड़ेगा। वन रैंक वन पेंशन योजना अलग अलग समय पर रिटायर हुए एक ही रैंक के 2 फौजियों की पेंशन राशि से संबंधित है। साल 2006 से पहले रिटायर हुए सैनिकों को कम पेंशन मिल रही थी, जिसकी वजह से जो बड़ी रैंक वाले अफसर हैं उनको कम और छोटी रैंक वालों को ज़्यादा, इसको लेकर भी काफ़ी दिनों से आपस में बातचीत चल रही थी और ये मांग भी चल रही थी वन रैंक वन पेंशन की योजना का जो समाधान की बात हो रही थी। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं और कुल मिला के सशस्त्र बलों के रिटायर जवान भी अफसर भी इस बात को लेकर मांग कर रहे थे कि भाई उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। ये संशोधन इस 1 जुलाई 2019 से लागू किया गया है, जिसमें 30 जून 2019 तक रिटायर सशस्त्र बल कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। ये एक मोटे मोटे तौर पर जो छोटी सी जानकारी थी। अब हरियाणा में यात्रा के दौरान तमाम BSF सेना और पूर्व जो सैन्य अधिकारी सशस्त्र बलों के अधिकारी राहुल गांधी के साथ कदम का ताल करते नजर आए। जर्नलों का मिलना अपने आप में एक नई चर्चा को जन्म देता है और जनरलों से मुलाकात करने के बाद सैनिकों के बारे में, अग्निवीरों के बारे में राहुल गांधी ने बड़ा महत्वपूर्ण बयान दिया। इसको लेकर भी राजनीतिक
हलकों में एक अलग तरीके का विमर्श शुरू हो गया है और भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे मसले को लेकर चौकन्नी है। योजना मुझे पहले समझा दो, ये है क्या? जो सेना में भर्ती होने के लिए रनिंग की प्रैक्टिस करता है वो कितने बजे उठता है? 4 बजे। और ऐसे लाखों युवा सपना देखते हैं, तिरंगे की रक्षा करने का सपना। उनमें से पहले 80,000, तकरीबन हर साल 80,000 चुने जाते थे। कोई अरुणाचल जाता था, कोई जम्मू कश्मीर, कोई राजस्थान, कोई लद्दाख, कोई ठंड में, रेगिस्तान में, बारिश में, अपनी पूरी की पूरी जिंदगी, बच्चे, परिवार, माता पिता, सब कुछ परे करके बॉर्डर पे जाके खड़ा हो जाता था। वो बॉर्डर पे खड़े होते थे, वहां पे तूफान आ जाए, बर्फ गिर जाए, गोली लग जाए, बम फट जाए, कुछ नहीं, देश के लिए अपना खून देने के लिए 80,000 युवा हर साल सेना में भर्ती होते थे। अब उनको पहले सेना क्या देती थी? सबसे पहले सेना उनसे कहती थी, देखो एक दिन ऐसा आ सकता है जब आपको हिंदुस्तान के लिए लड़ना पड़ेगा, शायद आपको शहीद होना पड़ेगा, मगर हम आपको एक बात की गारंटी देंगे कि दुनिया में सबसे बेहतर ट्रेनिंग हिंदुस्तान की सेना को, वायु सेना को, नेवी को हम देंगे। दूसरा वायदा, 15 साल आपको सर्विस मिलेगी, अगर आपको इतनी सी भी चोट लगी हम आपकी रक्षा करेंगे। तीसरा वायदा, आपने इस देश के लिए अपना पूरी की पूरी आपने जिंदगी दी, आपने अपने बच्चे दे दिए, माता पिता दे दिए, परिवार दे दिया, अपने सारे के सारे सपने दे दिए इस तिरंगे को रक्षा करने के लिए, ठीक है हम आपको पेंशन देंगे। जब आप गांव में वापस जाओगे तो हम आपको एक्स सर्विसमैन कह के हम आपको गांव भेजेंगे कि आपको वहां पे, चाहे आप शहर में रहो चाहे आप गांव में रहो, जब हिंदुस्तान की बाकी जनता आपकी ओर देखे वो कहे कि इस व्यक्ति ने वो किया जो मैंने नहीं किया, इस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी इस देश को दी, अपना खून इस देश को दिया, अपने सपने इस देश को दिए, और इसीलिए मैं इस व्यक्ति का आदर करूंगा, इसका रिस्पेक्ट करूंगा। राहुल गांधी बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं, इस पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई अग्निवीर को लेकर उनका सवाल है, लगातार इस पर हमला कर रहे हैं, बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई 2-3-4 वादे उन्होंने किए। उन्होंने कहा कि भाई जब रिटायर होकर सैनिक जाए तो उसे एक सम्मान की दृष्टि से समाज में देखा जाए और उसका भविष्य सैनिक का सुरक्षित रहे, तभी कम से कम उसको पछतावा ना हो कि उसने पूरी जिंदगी दे दी, जवानी दे दी, बच्चों के सपने दे दिए, पत्नी के अरमान दे दिए, माँ बाप के सपने, सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर दिए, उसके बाद फिर उस सम्मान से तो कम से कम इसका हकदार तो ही सम्मान से जीने का। जनरल दीपक कपूर पर आईटी सेल बीजेपी के अमित मालवी के ट्वीट के पलटवार में कांग्रेस के मीडिया सेल इंचार्ज जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनना बहुत लाजमी है। तरीके से बीजेपी ने जो रिटायर्ड जनरल थे जो राहुल जी के साथ चले और राहुल जी से मुलाकात की, वो उनको बहुत गौरव प्राप्त हुआ है पिछले 40-45 सालों में। इतना अपमान किया कल परसों बीजेपी की ओर से, इस बहुत निंदनीय है। ये रिटायर्ड आर्मी जनरल्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल है, मेजर जनरल है, वो बात करना चाहते हैं भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, जो चीन के साथ हमारी जो समस्याएं हैं सीमा पर उस पर बात करना चाहते थे, और बीजेपी ने जिस तरीके से व्यक्तिगत उनका अपमान करने की कोशिश की सोशल मीडिया में, मैं समझता हूँ उस पर मैं टिप्पणी हमने टिप्पणी की। तो ऐसे वक्तव्यों पर जहां गलत प्रचार किया जाता है उस पर मैं जरूर कुछ ना कुछ कहने के लिए तैयार हूं। जयराम रमेश कह रहे कि भाई अपमान किया बीजेपी ने, उन पूर्व जर्नलों का अपमान किया है जो राहुल गांधी से मिलने उनकी भारत जोड़ो यात्रा में आए थे, और किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी कहती कि वो सैनिकों का सम्मान करते हैं जिन्होंने 40-45 साल इस देश को दिए, देश की सेना का नेतृत्व किया, उन नायकों का अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये अपने आप में मामला सियासी भी है और मामला राष्ट्र से जोड़कर भी कांग्रेस इसे देख रही है। अमित मालवी का ट्वीट जो मैंने पहले ही आपको बताया, और उसके बाद ये जयराम रमेश का पलटवार है। सियासत तो है
पहले सिर्फ अकेले भारतीय जनता पार्टी सियासत करती थी, अब कांग्रेस भी इस मसले पर सियासत कर रही, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन मान और अपमान दोनों का मसला है। अगर वो जनरल राहुल गांधी से मिले तो वो घोटालेबाज हो गए, और अगर वो जनरल बीजेपी के किसी नेता से मिले तो वो देशभक्त हैं, देश के नायक हैं। इस चश्मे को बात करते हैं, सबसे पहले मेहमानों का परिचय कराते हैं। हमारे साथ इस देश के लिए अपने बहुत कीमती वक्त, बहुत कीमती वक्फा देने वाले बहादुर सेना नायक मेजर जनरल डॉक्टर सी के जखमोला साहब जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत आभार और बहुत धन्यवाद आपका जखमोला सर, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक आलोक भदौरिया साहब हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। भदौरिया जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। देश के बहुत वरिष्ठ राजनेता रहे, दो बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, हरकेश बहादुर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। हरकेश बहादुर जी हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दिल्ली से। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार। दीपक आलूवालिया साहब हरियाणा से बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। फुरकान साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार, और बहुत बहुत स्वागत आपका। मंथन की शुरुआत आलोक जी से करते हैं। आलोक जी, ये पूरा प्रकरण आपके पूरी तरह संज्ञान में, पूरे देश के संज्ञान में, जनरल दीपक कपूर और जो कई रिटायर्ड जनरल राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा पर मिले, उसके बाद जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आईं, उसके जाहिर तौर पर सियासी माने हो सकते हैं अपने, लेकिन सैनिकों, सेना नायकों, इनको लेकर इस तरह का नज़रिया, इस तरह की चीज़ें, मुझे जो मैंने बात की ना भी कि अगर आपके साथ कोई खड़ा है तो वो बहुत बहादुर है, दूसरे के साथ खड़ा है तो वो घोटालेबाज है, इस चश्मे को कम से कम कृपा करके राजनीतिक दल कोई भी हो, ये कम से कम हमारे उन वीर नायकों के बारे में कम से कम ना इस्तेमाल करें। आलोक जी, पूरा जरा मसला समझाइए दर्शकों को। राजनीति लोगों का विषय है, लोग अगर चाहे तो अपनी इच्छा अनुरूप किसी भी दल में शामिल हो सकते हैं, ये हमारा भारतीय संविधान भी कहता है, नंबर वन। नंबर टू, आपका कहना बिल्कुल सही है जो आपने विषय प्रवेश किया कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो वो बेहतरीन काम करते हैं, इसके अलावा अगर वो विपक्ष में शामिल होते हैं तो वो बेहतरीन नहीं होते, उनकी कमियां ढूंढी जाती है। ठीक है, कमियां ढूंढिए, कोई बुरी बात नहीं है, अगर कमी है तो उसको बिल्कुल सामने लाइए। मेरा तो दूसरा मानना यह है कि आप तो सत्ता में, अगर इतनी कमी है तो आप FIR करिए, प्रॉब्लम क्या है। लेकिन एक ऐसा है कि 4-स्टार और 5-स्टार जनरल के प्रति आप जिस तरीके का रुख आप जता रहे हैं, वो एक सामान्य लोग नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जो वेटरन्स होते हैं, आज भी देखिए कुछ वियतनाम के जो वेटरन्स बचे हुए हैं अमेरिका में, कितने सम्मान से उनको देखा जाता है, और ये होते भी सम्मान के लायक। अगर घोटाला किया है, मैं तो कहता हूं कि अगर घोटाला किया है तो आप उन पर FIR करिए, कार्रवाई करिए। क्या हमारा जो हमारा संविधान है या उसके तहत जो CRPC है, क्या इतना कमजोर है क्या कि वो अमित मालवीय जी के ट्वीट के आधार पर चलेगा, या जब CRPC कुछ कर ही नहीं पाता, अमित मालवीय जी को सारी जानकारियां हैं, तो मैं तो इस चीज को नहीं मानता। तो सवाल है कि ये एक अवधारणा का खेल है, दिक्कत ये नहीं है। राजनीति अवधारणा का खेल होती है, ये होती है, सारे लोग जानते हैं। दिक्कत दूसरी है, दिक्कत ये है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने देशभक्ति का, देश प्रेम का सर्टिफिकेट अपने पर लगा रखा था, एक तमगा उसने खुद ही अपने माथे पर लटका रखा है। उसका मानना है कि जो उसके साथ है वही देशभक्त है, ये अवधारणा ही गलत है, क्योंकि इसको कहने के साथ ही आपको, जैसे ही आप ये बात कहते हैं, आप ये मान करके चलिए कि आप एक बहुत बड़े धड़े को, चाहे वो 4-स्टार जनरल हो, आर्मी का हो या कहीं का भी, उसको एक स्वतंत्रता, आजादी की एक स्वतंत्रता होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी सोच की स्वतंत्रता, उससे आप उसको महरूम करते हैं, ये कतई उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्यों हो रही है, ये समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर इस तरीके का अगर समा बनता रहा, जिस तरीके से कांग्रेस में भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली है राहुल गांधी ने, और जिस तरीके से लोग उसमें जुड़ते चले जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक अपना जो मुलम्मा अपना जो चढ़ा रखा था
वो एक उतरता चला जा रहा है। आज देश है बेरोजगारी से है, सबसे त्रस्त है वो, बेरोजगारी हो चाहे महंगाई हो चाहे कुछ भी आप ले लीजिए, सबसे त्रस्त है। और जहां तक अगर आप देशभक्ति की बात करें तो मुझे तो एक देशभक्ति ये नहीं समझ में आती, सुप्रीम कोर्ट ने भले ही राफेल वाली डील में कह दिया, लेकिन मेरा एक मानना ये है, मैं चाहूंगा कि हमने जो हमारे जनरल्स आए हैं वो भी इस पर टिप्पणी करें, कांग्रेस ने एक, अब चूंकि कांग्रेस और दीपक कपूर इन दोनों जनरल्स के मेल को लेकर बातचीत हो रही है, तो उसमें भी सीधा लेके नाम लेकर बोलना चाहिए कि कांग्रेस ने जब 108 राफेल का सौदा किया था और जब टेक्नोलॉजी भारत आनी थी, तो आखिर क्या वजह है कि वो टेक्नोलॉजी भारत क्यों नहीं आ रही है? आखिर ऐसा सौदा क्यों किया गया? 36 राफेल लेकर चुप है, उसके बाद दोबारा दोबारा 20 राफेल का सौदा क्यों नहीं किया है? हमारे आम जनरल ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि अभी भी हमारे यहाँ फाइटर स्क्वाड्रन की कमी है, अच्छे खासे की कमी है, लेकिन क्यों नहीं ये हो पा रहा है? अगर आप देशभक्त है तो इसलिए आप जो जिस नैरेटिव को करना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है उसमें असफल हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर सेना के लोग जिस तरीके से अगर इसमें भी शामिल होते जा रहे हैं, तो इनका जो एक आवरण है, झूठ का जो एक मुलम्मा है, वो उतर जाएगा और वही इनके लिए सबसे बड़ा कष्ट ठीक होगा। ठीक बात है, ठीक बात है। अब मैं मेजर जनरल डॉक्टर सी के जखमोला साहब के पास जाना चाहूँगा। जनरल साहब, कुल मिलाकर जो इस तरीके की टिप्पणियाँ होती हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी इतने बड़े व्यक्तियों का, और किसी का भी नहीं, भारत के किसी भी नागरिक का कैरेक्टर असैसिनेशन तो होना नहीं चाहिए। जब वो कहीं किसी प्रकार के दोषी नहीं, कुछ नहीं, ये लोकतंत्र है भारत है भाई, कोई किसी से मिल सकता है, वो अब कोई सेवा में तो है ही नहीं वो। और वो अगर कुछ जर्नल्स जाके राहुल गांधी से मिलते हैं तो फिर बहुत सारा बखेड़ा क्यों, ऐसा क्यों नजरिया लोग रखते हैं? देखिए, बात यह है कि मैं ये नहीं मानता कि कोई किसी पार्टी का बहुत ज्यादा लव लॉस्ट है आर्मी पर्सनल के साथ। ऐसा पास्ट में हो चुका है कि राहुल गांधी भी आर्मी चीफ को गली का गुंडा बोल चुके हैं, और बीजेपी ने भी ये बात कही है, आम आदमी पार्टी ने भी ये कहा है कि भाई हमें तो सबूत चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक के। तो मुझे नहीं लगता है कि फौजियों को या आर्मी पर्सनल के लिए किसी भी पार्टी की बहुत सारी इज्जत है, इनकी ये मजबूरी है। और इस मजबूरी को ये आप देख सकते हैं, इनकी पॉलिटिकल मजबूरी है, क्योंकि एक्स सर्विस मैन एक बहुत बड़ी जनसंख्या में है इस देश में और एक अच्छा वोट परसेंटेज है, जी तो जिसको जैसी सहूलियत होती है वैसे वो उसको यूज करना चाहता है। और मैं इसमें कोई इसमें वाकई कोई गलत बात नहीं है कि अगर जनरल दीपक कपूर साहब राहुल गांधी से मिलते हैं, वो इस देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, उनको मिलना चाहिए अगर वो ऐसा समझते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और अगर कल वो कांग्रेस भी ज्वाइन करते हैं तो उसमें मैं कोई गलत बात नहीं समझता। जनरल वीके सिंह ने भी तो बीजेपी ज्वाइन की है, हाँ, मगर इस बात को ये कहना कि जी वो फलानी पार्टी तो फौजियों का अपमान कर रही है और दूसरा बहुत सम्मान कर रही है, ऐसा नहीं है। हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट लिव्ड है, आप पीछे देखिए तो कांग्रेस वालों ने भी ये किया है, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, ये जो राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें कही अग्निवीरों को लेकर, इसको लेकर बहुत सारी, और भी उन्होंने, आप एक बयान अभी शायद आपने सुना भी होगा, हमने उनका बयान भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखाया, कि वो कह रहे हैं कि भाई आप सम्मान से हम 15 साल की नौकरी देंगे, आप सम्मान से घर जाएंगे, जैसे आप पहले जाते थे, आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं, आप एक पूर्व फौजी होने के नाते? मैं ये मानता हूं कि बहुत सारी कंट्रीज हैं इस पूरे संसार में जहां पे कि इस तरह के 3-4 साल के लिए लोग फौज में जाते हैं, वहां अपनी सर्विस देते हैं और फिर चले आते हैं। आर्मी में भी 5 साल का एक प्रोविजन है ऑफिसर्स क्लास के लिए, बहुत पहले से इमरजेंसी कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन। अब आपको ये देखना है कि भाई आपकी देश की इकोनॉमिक्स भी देखनी है आपने, ठीक है, जॉब भी है, बहुत सही बात है, मगर वो अगर देश कर्जे में डूबा रहेगा, देश की फिस्कल डेफिसिट उसकी जीडीपी से ज्यादा होगी तो देश चलेगा नहीं, कर्जे में डूब जाएगा। तो हर पार्टी अपना एक नरेटिव बना लेती है कि भाई मुझे किसी भी येन केन प्रकरण झूठ बोल के नरेटिव लगा करके सत्ता में आना है। यही बीजेपी करती है, यही कांग्रेस करती है, आम आदमी पार्टी करती है, और इसमें कोई दूध का धुला नहीं है। अब आप देखिए, कांग्रेस ने कहा कि जी हम तो ओल्ड पेंशन लागू करेंगे हिमाचल में, अब आ गए ना हिमाचल में, क्यों नहीं हुई भाई वो ओल्ड पेंशन लागू? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हम ये करेंगे तो
हिमाचल प्रदेश डूब जाएगा। तो यही बात हिंदुस्तान की भी आती है कि भाई आप ठीक है 1,82,000 करोड़ की फूड सब्सिडी दे रहे हैं, पर कब तक दोगे आप? आपका तो देश डूब जाएगा इसमें। और कोई पार्टी मुझे नहीं लगता है कि इस विजन के साथ आती है कि भाई 135 करोड़ आपके पास जो ये ह्यूमन रिसोर्स है इसको किस तरह से आप बेस्ट यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद कोई नहीं करता, हर आदमी फ्री में राशन, फ्री में बिजली, फ्री में पानी, ये सब बातें चलती रहती हैं। तो विजन किसी का भी नहीं है, मैं आपसे ये कह रहा हूं। और फौजियों को हर आदमी अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से हर पॉलिटिकल पार्टी यूज करती चली आई। बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है मेजर जनरल जखमोला सर ने दो बड़ी महत्वपूर्ण दो विषय उन्होंने रखे। एक तो कहा विजन की कमी है और अपने हिसाब से लोग फौजियों का इस्तेमाल करते रहें जिसको जो सूट करे। और फिर जी ढाका हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत कर्नल साहब। और नेहा सालिनी दुआ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। नेहा जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका और बहुत आभार दोनों मेहमानों का। सीधे फुरकान अंसारी साहब के पास जाएंगे, पूर्व सांसद। फुरकान साहब, मेजर जनरल सी के जखमोला साहब ने दो सवाल बड़े महत्वपूर्ण उठाए। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, जब भी इनको सैनिकों का सैनिक सूट करते हैं, जब इनको वोट लेना होता है, चुनाव आते हैं, तो ये सेना सेना और देश देश करने लगते हैं। वो अपने सहूलियत के हिसाब से यूज करते हैं। और दूसरा उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि भाई आप कुछ भी करे जा रहे हो, कुछ भी आप वादा कर रहे हो कि ठीक है आपको हम अग्निवीर नहीं, आपको हम पूरा 15 साल की नौकरी देंगे। कोई विजन नहीं है, देश बर्बाद हो जाए, आर्थिक संकट आ जाए, कुछ भी आ जाए। और उन्होंने कहा कि हिमाचल में नहीं कर पा रहे हैं ओपीएस, और यहाँ वो बात कर रहे हैं कि हम अग्निवीर नहीं पूरी नौकरी देंगे, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। फुरकान साहब अनम्यूट करिए, आपको दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं। फुरकान अंसारी साहब फुरकान साहब की आवाज मुझे लग रहा मिल नहीं रही है। फुरकान साहब अनम्यूट करिए। हेलो, आप बोलिए फुरकान साहब। जी मेरी आवाज पहुंच रही है? आप दर्शक सुन रहे हैं, अब बोलिए, फरमाइए। जब तक लोग सेवा में रहते हैं, सेवा से जब वो रिटायर करेंगे उसके बाद उनकी उनकी फ्रीडम है कि कहीं भी जा सकते हैं, किसी पार्टी में जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं जी। इसलिए अगर राहुल जी के साथ चले गए इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले भी बहुत लोग जाते थे, रिटायर बड़े बड़े अफसर जा करते थे, और आज भी जाएंगे तो कोई नई बात नहीं है। और जो उठाने वाले हैं बीजेपी वाले, उनको पहले अपने शीशे में अपने चेहरे को देखना चाहिए कि आप जो उठा रहे हैं इस बात को, तो आप कितने साफ सुथरे हैं, सो पहले देखिए आप। जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, जनरल जखमोला साहब ने कहा कि भाई अपने हिसाब से पूर्व सैनिकों का इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल पार्टियां, अपने हिसाब से पूर्व सैनिकों का, जब वोट लेना होता है, एक बड़ा बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसमें इस्तेमाल करने की कहां बात है? जो अपनी सुविधा से, अपनी सुविधा से, अगर उनको लगा कि सैनिक अगर वास्तव में इस वक्त सैनिकों का वोट उनको चाहिए तो वो उन्हीं की तरह बात करते हैं, बात पूरी हो या ना हो, ऐसा वो कह रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी के जो पदयात्रा में है, बहुत सारे लोग रिटायर किए हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। अभी आपके रिजर्व बैंक के जो चीफ है रघुराजन जी ज्वाइन कर लिए, वो भी पदयात्रा में गए। योगेंद्र यादव जी गए, जो कांग्रेस के घोर विरोधी थे, वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 88 ऐसे संस्थाएं हैं जो कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे, वो आज देश के हित में सारे लोग इस पदयात्रा का समर्थन कर रहे हैं। सवाल कहाँ उठता है सर की बात, इसलिए बोलना ही नहीं चाहिए बीजेपी वालों को। ठीक, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं कुछ आप? जी, अर्थव्यवस्था की जहां तक बात है, विदेश में कितने राशि लेकर यहां से लोग भागे हैं, इसका पहले हिसाब कर लीजिए आप। आज अगर गरीबों को कुछ मिल रहा है उस पर कमेंट लोग कर रहे हैं, आज अगर मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ मिल रहा है तो उस पर कमेंट कर रहे हैं कि ये क्यों रबड़ी बांट रहे हैं लोग। रबड़ी बांटने की बात यहां नहीं उठ रही है, बात उठ रही है बड़े बड़े पूंजीपतियों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को कितना आपने ऋण माफ किया और कितना राशि यहाँ से इस देश से लेके चला गया, उसका पहले हिसाब करिए, उसके बाद बोलिए कि रावड़ी कौन बांट रहा है। ठीक बात है अंसारी साहब, ठीक बात है। अब
हरकेश बहादुर जी के पास जाएंगे। हरकेश जी, ये चार पांच जर्नल जो राहुल गांधी से मिले और इसको लेकर ट्वीट दर ट्वीट जैसा कि चलता है आजकल राजनीति में, चूंकि आप लोग जिस वक्त सार्वजनिक जीवन में आए होंगे उस समय सब ट्वीट ट्वीट नहीं था, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होने लगी हैं। इतराज क्या है, दिक्कत क्या है इसमें? अनम्यूट करिए हरकेश जी। हरकेश बहादुर जी, दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं आपको, अनम्यूट। हेलो, हाँ मेरी आवाज जा रही है? हाँ दर्शक बोल रहे हैं, माफ कीजिएगा दर्शक सुन रहे हैं, आप बोलिए। हाँ देखिए, अभी जो आलोक भदौरिया जी ने कहा, मेजर जनरल साहब ने कहा, फुरकान साहब, सबकी बात मैंने सुना। सभी लोगों की बात में जो मैंने पाया, सभी ने जो बातें कही, मैं सभी के बात का करीब करीब समर्थन करता हूँ और ये मानता हूँ कि सबने उचित तरीके से इस चीज को रखा है। सारे राजनीतिक दलों में, ज्यादातर जो खास बड़े राजनीतिक दल हैं, आप देखेंगे सब में पूर्व सैनिकों के लिए एक सेल बनती है, बहुत सारी सेल्स बनाते हैं राजनीतिक दल, उसमें पूर्व सैनिकों का भी एक सेल होता है और उसका कोई ना कोई एक चीफ होता है, जिसमें कई बार लेफ्टिनेंट जनरल्स वगैरह होते हैं। कांग्रेस का मैं जानता हूँ, कांग्रेस में जो पूर्व सैनिकों का एक सेल था, उसके जो चीफ थे एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब, वो बाद में कहीं के लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर भी बनाए गए थे। तो ऐसे कई सारी पार्टियों में होता है, इसलिए ये तो पहले आउट ऑफ क्वेश्चन है कि जब एक बार सर्विस से लोग रिटायर हो जाते हैं तो क्यों किसी के पास जाते हैं, किसी पार्टी के साथ क्यों जोड़ते हैं, किसी नेता से क्यों मिलते हैं। इस पर तो बहस बेमानी है, इस पर बहस करनी नहीं चाहिए। ये केवल गुमराह करने वाले लोग जो पूरे देश को भ्रमित करना चाहते हैं, धोखे में रखना चाहते हैं, असत्य का सहारा लेते हैं, ऐसे लोग इस तरह की बातें उठाते हैं। जनरल दीपक कपूर के बारे में जो इन्होंने आदर्श सोसाइटी के बारे में बात किया, ये आईटी सेल तो इस देश को तबाही की तरफ ले जाने का, बीजेपी का ये जो आईटी सेल है पूरी तरह तबाही की तरफ ले जाने का काम कर रहा है। इतना कुप्रचार हो रहा है और इतने तरह के कुप्रचार हो रहे हैं जिसकी जितनी भी भर्त्सना और निंदा की जाए सब थोड़ी है, उससे केवल असत्य का ही प्रचार हो रहा है। जिस देश में, मुझे तो इस बात का बहुत अफसोस होता है कि देश के प्रधानमंत्री इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के कन्वोकेशन एड्रेस में अगर ये बात कह सकते हैं कि भारत के आजादी के बाद 25 वर्षों तक विकास का कोई भी काम नहीं हुआ, क्या सत्य है? यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं, पहले इस बारे में सोच लें कि देश के आजादी के बाद 25 वर्षों तक कोई विकास का काम नहीं हुआ, ये बात देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं। अगर इस प्रकार की बात प्रधानमंत्री करते हैं तो उनका आईटी सेल अगर इस तरह की कुप्रचार करता है तो उसमें हमको आश्चर्य क्या है। उस पर महाराष्ट्र के जो आईआईटी के पुराने ग्रेजुएट थे मुकुंद विष्णु मावलंकर, उन्होंने एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को और कहा कि आपके जो भाषण लिखने वाले लोग हैं, लगता है उनको पूरी जानकारी नहीं है, उन्हें बातें बता दीजिए कि देश की आजादी के बाद क्या क्या काम हुए। देश की आजादी के बाद यहाँ तक कि एटॉमिक एनर्जी और स्पेस रिसर्च तक का काम शुरू कर दिया गया, बाकी तो जितने पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, डैम, ये दुनिया भर के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और आईआईटीज, आईआईएम, क्या क्या बना, आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इन सब के बारे में बहुत सारी लंबी फहरिस्त है, उस फहरिस्त के बारे में हम नहीं बात करेंगे क्योंकि सारे लोग उसको जानते हैं। तो इस प्रकार की भ्रामक प्रचार का क्यों भाजपा ने ठेका ले लिया है और ये दागी लोगों की बात करते हैं? आसाम के चीफ मिनिस्टर क्या हैं? वो कांग्रेस पार्टी में थे, उनको इन्होंने ले लिया। इनके खिलाफ बीजेपी के लोगों ने जब वो कांग्रेस में थे तो तमाम आरोप लगाए थे, आज उनकी स्थिति क्या बनी हुई है? अभी वेस्ट बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी की स्थिति क्या है? जब वो टीएमसी में थे तो उनके खिलाफ यही बीजेपी के लोग तमाम आरोप लगा रहे थे, अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये आईटी सेल वाले क्यों नहीं इन बातों का जवाब देते? वो मुकुल राय, उनके ऊपर आरोप लगा, उनकी जांच शुरू हुई, वो बीजेपी में आ गए, बीजेपी ने सारे आरोपों से उनको बरी कर दिया। अब देखिए, जब सारे आरोपों से बरी हो गए तो फिर टीएमसी में चले गए। ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तमाम तरह के आरोपों से आरोपित हैं। और तो छोड़ दीजिए, भारत के गृह मंत्रालय को देखिए, ये लोग अपनी तुलना जवाहरलाल नेहरू से कर रहे हैं,
जवाहरलाल नेहरू के होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके बाद बने पंडित गोविंद वल्लभ पंत, उसके बाद बने लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद बने गुलजारी लाल नंदा। इनके होम मिनिस्टर को देखिए, और अभी वो जो टेनी मिश्रा हैं उनके ऊपर मर्डर का केस पेंडिंग है, अभी फैसला नहीं हुआ। इनको आईटी सेल को नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है, और जो जो कांड हुआ है लखीमपुर खीरी में वो सारे देश को नहीं मालूम है। इन सारी बातों के बारे में हरकेश जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने उठाई हैं। मेरा एक एक प्रश्न है कि ये दिक्कत क्यों हो रही है? अगर मान लीजिए राहुल गांधी से जज जाके पांच पूर्व जनरल मिल रहे हैं, दिक्कत क्या है? वो जरा वो ट्रिगर पॉइंट बताइए, दिक्कत क्या हो रही है? किसी तरह का आरोप साबित हुआ तो इस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं, ये झूठ बोलने वाले। मैं आपसे साली जी जवाब लूंगा, आपसे आ रहा हूं मैं पूछना चाहता हूं, राजनीतिक विश्लेषक है हरकेश जी, मैं पूछ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। धर्म की बात करते हैं, ये चाल चरित्र चेहरा की बात करते हैं, इनके सारे लोग चाल चरित्र क्या ये बताएंगे इनके, इनको? ठीक है हरकेश जी आपकी बात आ गई। अब मैं शालिनी दुआ के पास जाऊंगा। शालिनी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हरकेश जी ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। वो कह रहे दिक्कत क्या है, आपका आईटी सेल क्यों दुष्प्रचार करता है? भाई अगर जर्नल मिले तो मिले, दिक्कत क्या है उसमें? बीच में कोई बोले नहीं। अब मैं बोलती हूँ, जब आपके पॉलिटिकल एनालिस्ट ये बात बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी आईटी में जाकर ये भाषण देते हैं कि पिछले 60 साल में कुछ नहीं हुआ, तो शायद वो भूल जाते हैं कि 60 साल में देश को कितना तरक्की करने चाहिए। मैं 60 साल नहीं, मैं 25 साल की बात कर रहा हूँ। इनको पहले करेक्ट कीजिए, इनको करेक्ट हरकेश जी, उनको बोलने दीजिए। हरकेश जी, शालिनी जी को बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए हरकेश जी। अब आपने अपनी बात रखी, उनको भी अपनी बात रखने दीजिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई अनइंटरप्टेड कोई नहीं बोलेगा, अनइंटरप्टेड कह रही भाई वो। रुक जाइए, बोलने दीजिए उनको, उनकी बात आने दीजिए। हरकेश जी बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए शालिनी जी को, बोलने दीजिए प्लीज हरकेश जी, बोलिए। शालिनी जी बोलिए, विषय पर आइए, विषय पर बोलिए। मैं विषय पर ही आ रही हूँ, विषय पे कोई आने दे तो आओ ना। बोलिए बोलिए बोलिए, नाराज मत होइए, बोलिए। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि देश में तरक्की क्या हुई, जिस देश में 60 साल में पासपोर्ट तक बनवाने के लिए आपको रिश्वतें देनी पड़ती थी, रिश्वतें देके पासपोर्ट बनता था इनके टाइम में, तो आप खुद सोचिए देश ने कितनी बड़ी तरक्की की थी। ये वो सरकार थी कांग्रेस की जिनके टाइम में अगर आज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर रोड स्ट्रक्चर अच्छा बना होता तो मजाल है ये चाइना की हमें आंख दिखाता। और ये इनके टाइम में था कि इनके राजीव गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी ने चाइना की इतनी सारी जो हमारी अरुणाचल से आगे की जमीन है चाइना को मुफ्त में दे दी, ये कह के बंजर जमीन है क्या करेंगे, मतलब जिनकी माँ बाज हो जाती है, जिनकी माँ बच्चे पैदा नहीं कर सकती वो बच्चे माँ को भाई या बूढ़ी हो जाती है तो उसको फेंक देते हैं। तो इन्होंने ये हरकतें करी है कांग्रेस ने। मैं आपको बताती हूँ ना कि कांग्रेस ने क्या क्या किया, थोड़े बहुत काम करती है पूरी, मतलब 60 साल में एक एम्स खोल के ये दिखा दिया बहुत बड़ा काम करती है। आप बताइए हमारे शासनकाल में हमने 8 एम्स खोले हैं, बाकी 16 एम्स खोलने की तैयारी हो रही है, ये मात्र 8 साल में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा। तो प्रधानमंत्री जी का ये कहने का मतलब था कि हमने जो तरक्की की है, अगर तरक्की की स्पीड इन लोगों ने इतनी रखी होती तो आज हमारा देश कहीं से कहीं होता, अमेरिका से भी ऊपर होता। सोचिए आज प्रधानमंत्री जी के, आज भाजपा के आने के बाद दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी में आता है भारत, और इनके टाइम पे कौन से उसमें आया था, 99 रैंक पे, 98 रैंक पे, पांचवी आज अर्थव्यवस्था हमारी। शालिनी जी विषय पर आइए, विषय पे अब जवाब हो गया। शालिनी जी विषय पे आइए कि ये दिक्कत क्या होगी आईटी सेल को, आपके आईटी सेल को दिक्कत क्या होगी अगर वो मिल गए, वो तो क्या दिक्कत हो गई, उस पर आइए, विषय पर आइए। मैं तो विषय पे हूँ, ये विषय से हमने इतना बोल रहे थे तो आपने कुछ नहीं हो कहा। गया हो गया, मैंने रोका उनको, हो गया। आपने पूरी बातें बता ली अपनी ना, अब आप बोलिए विषय पर, बोलिए कि भाई अमित मालवीय जी को क्या दिक्कत है। अमित मालवीय जी को कोई दिक्कत नहीं है, क्यों मिले उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा आप चाहे आर्मी के पूर्व कोई भी, जैसे अभी बताया गया कि आईटी सेल एक आर्मी वालों का भी पूर्व
सैनिकों का सेल होता नहीं, है हर राजनीतिक दल में होता है, हर राजनीतिक दल में होता है, आपको पता ही होगा होता है। तो अगर कांग्रेस में भी है, उनके आने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही वो लोग है जो आप बताइए ओल्ड पेंशन की डिमांड करते हैं कि ये लागू की जाए, और इन्हीं के पुराने जो अर्थशास्त्री हैं मोंटी अहलूवालिया जी, वो बोलते हैं कि अगर ये योजना आ जाती है तो देश बर्बाद हो जाएगा। ये इन्हीं के कांग्रेस के अहलूवालिया जी, मोंटी अहलूवालिया जी बोलते हैं, तब इनको समझ नहीं आती। इनको सिर्फ वादे करने हैं जनता से झूठे किसी भी कीमत पे, क्योंकि इनको सत्ता में वापस आना है हर कीमत पे, चाहे झूठ चाहे ओल्ड अंट शंट कुछ भी बक के आना है। तो ये इनकी गलती है, जनरल साहब कह रहे हैं, मेजर जनरल जखमोला साहब कह रहे हैं कि भैया राजनीतिक दल चाहे आप हो चाहे कांग्रेस, दोनों इस्तेमाल करते हैं पूर्व सैनिकों का। ठीक है, अगर इस्तेमाल होता तो हमें तो प्रॉब्लम ही नहीं ना, आ रहे कोई पूर्व सैनिक आए कोई हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो झूठे वादे करके, मतलब आप ये दिखा रहे हो ये राजनीतिक यात्रा, मतलब ये जो कह रहे हैं वादे सब झूठे करते हैं, जनरल साहब कह रहे हैं दोनों झूठे वादे करते हैं, दोनों गड़बड़ करते हैं। बिल्कुल नहीं करते, हमारे टाइम में देखिए कि इनके टाइम में आज तक कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, कौन सी एयर स्ट्राइक हुई थी, हाथ बंधे रहते। ठीक है, विषयांतर नहीं करेंगे शालिनी जी, विषयांतर नहीं करेंगे, सीधे नंदकिशोर ढाका साहब के पास जाएंगे। कर मेजर जनरल जखमोला साहब कह रहे हैं कि भाई ये राजनीतिक दल पूर्व सैनिकों का इस्तेमाल करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, जब इनको जिस तरह से इस्तेमाल करना होता करते हैं। ये दोनों तीनों चारों जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में उनकी एक राय है, आप क्या राय रखते हैं? ढाका सर, कलन ढाका, मुझे लगता है कि संपर्क कलन ढाका से हो नहीं रहा है। दीपक अहलूवालिया साहब जुड़े हुए हैं हरियाणा से। दीपक जी, हरियाणा में इस मुलाकात को लेकर, चूंकि यात्रा राहुल गांधी की हरियाणा में थी, हरियाणा में बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक, बहुत सारे वहाँ कुल मिलाकर हरियाणा उत्तराखंड हिमाचल ये ऐसे राज्य हैं जहाँ सेना में बहुत सारे लोग जाते हैं, इन सैनिकों की मुलाकात के बाद वहाँ किस तरीके का राजनीतिक माहौल, किस तरीके की सियासी चीज़ें आपने वहाँ पर देखी? दुर्गेश जी, जहां तक मेरा मानना है इस बयान को लेके, मैं ये सोचता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की एक हताशा है जिस तरीके का ये बयान आया है। आईटी सेल जब से ये शुरू हुई थी यात्रा, टी शर्ट जूते खाना पीना लग्जरी टेंट सब कुछ करने के बावजूद जिस तरीके से ये यात्रा आगे बढ़ी और लोगों का जन समर्थन मिला, तो हरियाणा में से गुजरी है। और हरियाणा वो प्रदेश है जैसा आपने कहा कि सबसे ज्यादा सैनिक देता है, और अभी जो किसान आंदोलन हुआ उसमें भी हरियाणा के काफी किसान हरियाणा पंजाब से शामिल हुए, और वहां पे आके अगर राहुल की यात्रा को इतना जन समर्थन मिलता है तो ये एक बात है कि सबके बीजेपी के लिए चिंता की बात है। और एक आईटी सेल के बयान में सिर्फ एक ही उनकी हताशा झलकती है कि कपूर, दीपक कपूर जैसे एक बड़े सेना नायक उनसे मिले तो वो उनके ऊपर ये आरोप थे वो आरोप थे, आधी बीजेपी आरोपों से घिरी हुई है, चाहे वो बालिश के आरोप हो, चाहे एमपी तोड़ने के आरोप हो, चाहे कार से कुचलने के आरोप हो, तो अगर ये आरोप एक है तो इस हिसाब से तो आधी बीजेपी नहीं होनी चाहिए। और जो इसके पीछे कोई कांग्रेस की सियासत है दीपक अहलूवालिया साहब, क्योंकि कोई ऐसा नहीं, कोई माला जपने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, कोई चाहे राहुल गांधी हो या कोई भी हो, कोई माला जपने के लिए नहीं, राजनीति है, हर जगह राजनीति है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि ये राजनीति है, और इस राजनीति को मैं इस तरीके से देखता हूँ कि जब बीजेपी जो राष्ट्रवाद का घड़ा उठा के चल रही थी, राहुल गांधी के से इस मुलाकात, जनरलों की इस मुलाकात ने उसमें कहीं ना कहीं छेद किया है, और ये एक दूरगामी परिणाम होगा इसका। और ये जो ट्वीट हुआ है, जैसा कि शुरू में आपने कहा कि नायकों का अपमान है, तो जब फिल्म में जब भी नायक का अपमान होता है तो वो फिल्म कहीं ना कहीं फिल्म के कलेक्शन पे असर पड़ता है। इसी तरह मिलिट्री पर्सन जो इस देश की रक्षा करते हैं, जिनके बीजेपी की सत्ता जो हिंदुत्व और
मिलिट्री के राष्ट्रवाद के आसपास घूमती है, अगर राहुल गांधी उसको किसी तरह ठीक बात है दीपक जी। कर्नल ढाका सर के पास जाएंगे, शायद उनका संपर्क टूट गया था, ठीक हो गया है। ढाका सर, कुल मिलाकर जनरल साहिबान की मुलाकात को लेकर हलचल, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बहुत सारे लोग राहुल गांधी से मिले, तमाम तरीके से मंदिर में दर्शन करते हैं, राहुल गांधी अरदास करते हैं, बहुत सारी तरीके से वो विभिन्न रूपों में नज़र आते हैं। इस मुलाकात को लेकर जब वो राहुल गांधी से मिले जनरल दीपक कपूर और कई और जनरल, तो ये कहा गया कि नहीं जनरल साहब आदर्श घोटाले के आरोपी हैं, ये है वो है, सब बात इस समय बातें ये क्यों याद दिलाई गई? कर्नल ढाका, मुझे लगता है कर्नल ढाका का संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। आलोक जी, आपके पास आता हूं। आप लोग, आपने बीजेपी को भी सुना, पॉलिटिकल एनालिस्ट हरकेश जी ने भी बहुत सारी बातें रखी, और बीजेपी की प्रवक्ता ने भी कहा कि भाई सब कहीं कोई उनकी पार्टी सैनिकों की बहुत हितैषी, वैसे भी काम करती रहती सैनिकों के लिए, और जो कांग्रेस पार्टी उसने कुछ किया ही नहीं, बहुत सारा नेहरू से लेकर अब तक उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि सब देश को बर्बाद किया है। हाँ बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता बोले। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि यही वो कांग्रेस थी जिसने अभी कुछ साल पहले बिपिन रावत जी के लिए, जो CDS रह चुके हैं अब तो इस दुनिया में भी नहीं रहे, गली का गुंडा कहा था इनके संदीप दीक्षित जी ने। तो ये कितनी कुछ सैनिकों की इज्जत करते हैं, ये जनता ने देखा, ये दुनिया ने देखा है, तो ये तो रहने दें कि ये लोग कांग्रेस के प्रवक्ता कांग्रेस के प्रवक्ता फुरकान अंसारी साहब चले गए हैं, इसलिए अब इस सवाल का जवाब तो मैं ले नहीं सकता उनसे। आलोक जी के पास जा रहा हूं। आलोक जी, इस पूरा हरियाणा में जो मुलाकात हुई, स्पार्किंग पॉइंट क्या है, ट्रिगर पॉइंट क्या है? आलोक जी, राजनीति की दृष्टि से जरा इसको समझाइए, क्या मसला क्या है? मुझे लगता है कि राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि किसी भी घटना को या किसी भी बयान को आप टॉकिंग पॉइंट बना दें, और ये टॉकिंग पॉइंट बन चुका, इतना बन चुका कि अब आप सोचिए भाजपा के प्रवक्ता के का जो खंडन करना चाहती थी या दोबारा से आरोप मारना चाहती थी, तो उसमें कोई वो दम नहीं है, तथ्य नहीं है, नंबर वन। और कांग्रेस वाले जो प्रवक्ता कह रहे थे उसमें भी बिल्कुल एक सामान्य तरीके से पकड़ी बातें हैं, ये नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि टॉकिंग पॉइंट बन चुका है। अब टॉकिंग पॉइंट बनने का सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? सेना के सर्वोच्च कमांडर रह चुके हैं, 5-स्टार जनरल है दीपक, केवल दीपक जी नहीं और भी मेजर जनरल, 4-स्टार भी मिले, जनरल्स भी मिले हैं। अब आप इसे मान के चलिए कि सेना के तमाम सैनिकों में ये बातें आएंगी, अरे ये तो राहुल गांधी के मिल रहे हैं, इसका मतलब राहुल के मतलब कुछ ना कुछ तो खास है, भाई हमारे एक जनरल साहब ने ये सोचा है। देखिए, एक आदमी का रैंक एंड फाइल होता है, सोचने का एक तरीका होता है, कोई होगा अरे हमारे इतने बड़े टॉप के रैंक एंड फाइल ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस कुछ करने जा रही है, जाहिर सी बात है उनके मन में भी ये बात आएगी। इसी को रोकने के लिए ये जो एक जो समर्थन है उस धड़े का, उसको रोकने के लिए ही ये अमित मालवीय का ये ट्वीट आया है। अमित मालवीय के ट्वीट को मैं बहुत गंभीरता के साथ मैं नहीं लेता, उनका काम है और उनकी जो ट्रोल आर्मी है 2 रुपए के ट्वीट पर ट्वीट करती रहती है, उसको बहुत महत्व नहीं देता, बिल्कुल महत्व नहीं देता। ठीक बात है, आलोक जी, मंथन में वक्त बहुत सीमित बचा है, मेजर जनरल जखमोला सर के पास जाऊंगा। जखमोला सर, कुल मिला के बहुत जितने पैनलिस्ट थे आपने उनको सुना, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि भाई सब लोग ये इस्तेमाल करते हैं, क्या पूर्व सैन्य अधिकारियों को इस्तेमाल होने से बचना नहीं चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जिस दिन आप फौज छोड़ देते हैं, आप उस दिन से अपनी मर्जी से पॉलिटिकल पर्सन बन सकते हैं या स्टिल यू आप ए पॉलिटिकल रह सकते हैं, वो आप जैसा आप चाहें ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं जी। हाँ, जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज की बात है, जो ये अपनी सहूलियत से लोगों का इस्तेमाल करती हैं, मैं राहुल गांधी जी के बारे में बताता हूँ, ये OROP के लिए 500 करोड़ रुपए छोड़ के गए थे, और आज ये कहते हैं कि अग्निवीरों को ये जो है 15 साल की जो है नौकरी देंगे। बड़े हास्यास्पद बातें करते हैं कई बार, तो मुझे बड़ा दुख होता है ये सुन करके। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं, पर आर्मी ऑफिसर करे क्या? अब जिस दिन वो रिटायर होता है उसके बाद उसको भी आगे, क्योंकि उसके वो कोई 58 साल में, कोई 56 साल में, कोई
60 साल में रिटायर होता है, उसके बाद की एक जिंदगी है। अब वो जिसका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है वो तो नेचुरली ज्वाइन करेगा ही करेगा, और उसके दिमाग में रहता है कि चलो भाई मैं किसी न किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकूं ग्रोथ ऑफ कंट्री में। ठीक बात, अब ठीक ये, बात जी, बहुत महत्वपूर्ण बात जनरल साहब ने कही। फाइनल कमेंट हरकेश बहादुर जी 20 सेकंड में, क्या राहुल गांधी जैसा भी जनरल साहब बता रहे हैं कि भाई वो तो खुद ही मटिया मेट चौपट करके उनकी सरकार कांग्रेस की गई थी, फिर अब वो कौन से सपने दिखा रहे हैं? वो राजनीति राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं। हरकेश जी अनम्यूट करिए। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है ये अब समय भी खत्म हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया हरकेश बहादुर जी, जनरल जखमोला सर बहुत शुक्रिया, शालिनी दुआ जी आपका भी बहुत धन्यवाद, आलोक जी आपका भी बहुत धन्यवाद, दीपक आलूवालिया साहब आपका भी बहुत धन्यवाद, और फुरकान अंसारी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।